सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। दिस इज सौरभ निश्चित, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं हूँ भंडारदरा डैम लेक साइड कैंपिंग में। तो देख सकते हो सुबह के बज रहे 7 और एकदम गीला हो गया टेंट ओस की बूंदों से। बाइक वाइक भी गीली हो गई पूरी, बारिश नहीं गिरी है, सब ओस की बूंदों की वजह से हुआ है। तो मस्त ठंडी है अभी यहाँ पे और एकदम शांति है, कोई नहीं है। बस अभी इधर वो नामदेव भैया सो रहे हैं, उठेंगे उसके बाद ब्रेकफास्ट मिलेगा हम लोग को कुछ खाने के लिए। देखते हैं क्या आता है ब्रेकफास्ट में। सो गाइज, कैंपिंग करने के टाइम सबके मन में एक सवाल रहता है कि रात को जो बारबेक्यू और खाना ठूसा है उसको सुबह सुबह निकालेंगे कहाँ और कैसे। तो कैसा है यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है सुरेश भैया, उन्होंने अच्छा सा बंदोबस्त करके रखा है। मस्त 2 टॉयलेट बनाए सबके लिए और पानी है वहाँ पे, तो बाहर से पानी भर के लेके जाओ, अंदर बैठो, अपना आराम से करो एंड बाहर आके डेटॉल का मस्त एक हैंड वॉश रखा हुआ है, हाथ धो के आ जाओ। तो दिक्कत नहीं है कुछ यहाँ पे। तो कैंपिंग करने इधर आओगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कैसा है सबको आदत नहीं रहती खुले में करने की। लोटा कहाँ से मिलेगा, लोटा लेके जाना पड़ता है, वो सब मगनमारी नहीं है यहाँ पे। मस्त है, बस 5 मिनट्स वॉकिंग पे उनका घर है, वहाँ पे उन्होंने अलग से 2 बना के रखा है वॉशरूम, वहाँ पे जाके मस्त हल्के होके आ जाओ। चलो फिर अभी हमारा ब्रेकफास्ट आने वाला है, तब तक चिल मारते हैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही लेक साइड। इतना मस्त एनवायरनमेंट है, शांति है, कोई नहीं है, सिर्फ हम 2 है। तो मैं तो हल्का होके आ गया हूँ आराम से, हमारे श्लोक भैया गए, अभी हम बैठेंगे, वो आएंगे, तब तक इंतज़ार करते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। सो अभी बज रहे 9 और मस्त गरम गरम पोहे आ चुके और चाय आ चुकी है, तो दिखाता हूँ कैसे। और मस्त देसी नींबू दिया है काट के साथ में, पोहे मस्त एकदम और चाय भी मस्त थी। अभी मन करे सीधा यहाँ से भाग के जाओ और कूद जाओ लेक में। ठंडा हो गया है लेकिन ठंडा है भाई, स्लिपरी है पूरा, लेकिन लग गया पैर, लगा क्या, हम पहली बार ना रहे भाई, ठीक है इतना ही। इधर वो कैसे कूदा बे, चला गया उधर से, गया वो स्विमिंग करके चलेगा इधर से। हाँ मैं बोल रहा था उधर से ऐसे स्विमिंग करके आते। जय भोलेनाथ। कड़क ठंडी है, मेरे को तैरने का ना इतना शौक नहीं है, मतलब ठीक है चलेगा नहीं तैरेगा। अपुन बाबुन लेके आया, ये रहा साबुन, सब वीडियो आ जाएगा उसमें, मैं नहाते हुए करता। सो गाइस अभी 10:30 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं, सब बाइक पे सामान लगा दिया है दोनों ने और चेकआउट हो गया। मतलब अभी यहाँ पे 1 रात का ₹1200, उसमें टेंट में सोने के लिए चद्दर और फिर शाम का नाश्ता बारबेक्यू, फिर खाना, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट और चाय, ये सब ₹1200 में। तो
सूरज भैया है जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्ट कॉल करके आओ और उनको बताओ कि इतने इतने लोग आ रहे हैं, हमारे लिए मस्त इंतज़ाम करके रखो। एकदम सही है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बाहर पराठा खाने वाले, फिर सोचेंगे कि कहाँ जाना है, यहाँ पे संधन वैली जाना है कि पावना लेक जाना है, देखते हैं। और एक रात है हमारे पास, देखते हैं किधर जाते हैं। सो गाइस अभी 12 बज चुके हैं और हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि पावना लेक जाएंगे, जो कि यहाँ से 190 किलोमीटर है और पहुँचते पहुँचते कुछ 5 घंटा बता रहा है, मतलब 190 किलोमीटर के लिए, तो पहुँचते पहुँचते 6-7 बज जाएंगे। होपफुली 6 के पहले पहुँच जाएगी क्योंकि बाद में अंधेरा हो जाएगा, वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा, लेकिन कल सुबह तो हम लोग को देखने मिल ही जाएगा जो भी व्यू व्यू रहेगा वो। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब रहने वाला है, तो 190 किलोमीटर पार करने के लिए मतलब जन्मों निकल जाएगा ऐसा लग रहा है। क्लाइमेट तो बढ़िया है, धूप आ नहीं रही है, क्लाउड्स है ऊपर, मस्त ठंडी ठंडी हवा है, खींच लेते हैं अभी जितना हुआ है उतना। पराठे खाए 11 बजे ही तो भूख भी नहीं लगेगी कुछ। हाँ हाँ तो गाइज अभी 2:30 बज चुके हैं और रास्ता बहुत ही खराब है, हालत खराब हो गई। तो इधर एक मस्त लेक दिखा हम लोग को, तो यहाँ पे रुक गए हम लोग, बैठेंगे थोड़ी देर, 10-15 मिनट आराम करेंगे, पानी वानी पियेंगे और निकलेंगे। ये दिख रहा है, ये रोड है, यहाँ से हम लोग ने बाइक नीचे ले ली हमारी और बस जा रहा हूँ नीचे। वो नीचे पहुँच चुका है, मैं भी जा रहा हूँ नीचे, बैठेंगे। और माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोच रहा हूँ टाइम लैप्स के लिए रख दो इसको। तो अभी बज रहे हैं 3, तो हम लोग कुछ आधा घंटा 45 मिनट बैठे वहाँ पे, अभी निकल चुके हैं और 120 किलोमीटर है यहाँ से पावना, 3 घंटा बता रहा है यार, 5-6 बजे के पहले पहुँचना है कैसे भी करके। ओ क्या रास्ता है, गाइज फाइनली हम लोग पावना लेक कैंपिंग पहुंच चुके हैं। लेक तो दिख नहीं रहा है लेकिन कैंप साइट बहुत बड़ा है और ऐसा लाइटिंग चालू है यहाँ पे, बाजू के कैंप साइट में गाने बज रहे हैं जोर जोर से। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैंपिंग करने के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे मतलब बियर बार बना के रखा है, समझ में नहीं आ रहा। एकदम जागमुग जागमुग लाइटिंग हो रही है इधर, मतलब हाईवे पे वो सब हाई बीम ले लेके आँखें हमारी अंधी हो ही गई थी कि यहाँ पे आके ये लाइटें देखनी पड़ रही है। अभी हम लोग बंद करवा देंगे थोड़ी देर में, जैसे हमारा बारबेक्यू वारबेक्यू लगेगा, तो क्योंकि शांति चाहिए थोड़ा। और ये सब स्टार्स भी नहीं दिख रहे इसके वजह से आसमान में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम भयानक लाइट है ये, मतलब नहीं है। टेंट भी छोटे छोटे, मतलब भंडारदारा के सामने मेरे को ये थोड़ा फीका लग गया। अभी अगर भंडारदारा नहीं गया रहता और इधर आया रहता तो भी फीका ही लगता था, क्योंकि कैंपिंग मैंने किया हुआ है, कैंपिंग का जो एक्सपीरियंस रहता है वो थोड़ा अलग ही रहता है। ये पूरा कमर्शियल जैसा कैंपिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, पता नहीं, क्योंकि पब्लिक को भी अच्छा लगता रहेगा, सैटरडेज़ को यहाँ पे बहुत लोग आते हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता रहेगा, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता कैंपिंग के टाइम पे। क्लबिंग वबिंग में ठीक है ये सब, ऐसा लाइटिंग वाइटिंग, लेकिन कैंप में थोड़ा शांति चाहिए, लाइट्स ऑफ चाहिए, अंधेरा चाहिए एकदम, तो ही मज़ा आता है। ठीक है, अभी हमारा सब प्रिपरेशन चालू होगा बारबेक्यू वारबेक्यू का, तो दिखाता हूँ क्या है इधर खाने के लिए और कैसा मिलता है।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मैं टेंट में बैठा हूँ, बज रहे सुबह के 7 और टेंट से ही मस्त वाला सनराइज दिखने वाला है, दिखाता हूँ। एकदम पागल लोग आए बाजू के, उसमें पता नहीं सुबह सुबह गाने चालू कर दिए, मतलब इतने जोर से रश के कमर क्या जरूरत है यार, मूड ऑफ कर दिया। एकदम शांति है, हम लोग खड़े रह के लेक का व्यू देख रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, उतने में जोर से गाना बजाना चालू कर दिया। एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस है कैंपिंग का मेरा ये। अभी 9:30 बज चुके हैं, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट हो गया, निकल रहे हैं यहाँ से। कल ऐसा था कि वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था, और अभी यहाँ पे हम लोग का रुकने का मन नहीं कर रहा है। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मुंबई जाएंगे और कुछ नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कैंपिंग मतलब कैसा होता है कि सिटी लाइफ से बाहर निकल के और नेचर के साथ कनेक्ट होना। और यहाँ पे ये पूरा कमर्शियलाइज बना के रखा है इन लोग ने, म्यूज़िक बज रहा है, मतलब जो साइलेंस के लिए यहाँ पे आते वो नहीं मिल रहा था, और गाने बज रहे थे सुबह सुबह भी बजा रहे थे ये लोग। तो फिर नहीं है मतलब ऐसा, ये इसको कैंपिंग नहीं बोल सकते। बाकी ठीक है, व्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करो, एंड ऐसे व्लॉग्स देखने तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करो। एंड मिलते हैं, तब तक के लिए खाओ पियो घूमो ऐश करो, लेकिन कचरा मत करो। टाटा बाय बाय। आज 3 फोर्ट करने वाले हम लोग, हरगढ़, मुलेर और मोरा। तो वन ऑफ द टफेस्ट रेंज में आते हैं महाराष्ट्र के ये। एंड हम लोग ने स्टार्ट कर चुका है हमारा ट्रैक, आधा घंटा हो चुका है। तो आपको हालचाल और नज़ारा सब दिखाते रहता हूँ रास्ते में।